हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियोस में डिफरेंशिएशन के सारे सम कर चुके, तकरीबन सारे मेथड्स हमने किए। ठीक है, तो आप लोग देख ही चुके होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं वीडियोस तो पहले लास्ट वीडियोस देखें। ये तो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंशिएशन यूज़ होती है। किस तरह से यूज़ होती है, आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कर चुके हो तो हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, इंक्रीज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ठीक है, वो जो हम टेबल दिया होता था। बट अगर आपको टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएशन में हम उसका डेरिवेटिव लेके भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट हम किस तरह से करते हैं, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव निकाल के हम स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, वी आर टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट। टोटल कॉस्ट है 60 माइनस 12 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। 60 अपॉन क्यू माइनस 12 प्लस 2q, ये आपकी एवरेज कॉस्ट। सो सिंपल। अब अगर हमने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, डेरिवेशन किसका, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेशन फाइंड करने के लिए पहले हम लिखें टोटल कॉस्ट है क्या। टोटल कॉस्ट है 60 12q प्लस 2q स्क्वायर। अब इसका डेरिवेशन करते हैं डी ओवर डी क्यू, तो ये आ गया 0 माइनस 12 प्लस 4q। नाउ वी आर टू फाइंड द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। जब हमने स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है तो हमने डेरिवेशन लेना है किसका, एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट ले लें पहले। एवरेज कॉस्ट आ गई किसके इक्वल है, इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 60 अपॉन क्यू माइनस 12 प्लस 2q। अब हमने इसका डेरिवेशन लेना है डी ओवर डी क्यू। 60 अपॉन क्यू का आ गया 60 एन एन माइनस 1, 12 का 0 प्लस 2 माइनस 60 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2। ये स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट आ गया। ठीक है, मैंने ये 60 अपॉन क्यू के ऊपर गया क्योंकि रेज टू पार माइनस 1 आ गई, तो माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है जी, अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो स्लोप है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू एन माइनस ए सी। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। क्या लेंगे, 1 अपॉन क्यू एम सी माइनस ए सी। 1 अपॉन क्यू एम सी, एम सी हमें दिया हुआ है ये माइनस 12 प्लस 4q। ए सी, ए सी ये हो गया माइनस 60 अपॉन क्यू प्लस 12 माइनस 2q। ठीक है जी, 1 अपॉन क्यू ये आपस में कैंसिल हो गए तो ये आ गया 2q, 2q माइनस 60 अपॉन क्यू। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे क्यू से तो ये आ गया 2, इसको डिवाइड करेंगे 60 अपॉन क्यू स्क्वायर। ये चीज़, ये दोनों इक्वल आ गए, माइनस 60 अपॉन क्यू माइनस 60 अपॉन प्लस 2 प्लस 2, सो इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है जी, प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, सिंपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको टोटल कॉस्ट दी होगी, यू आर टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट, देन मार्जिनल कॉस्ट,
देन स्लोप ऑफ ए सी। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है आपका 5 मार्क्स का, तो इसमें हमें प्रूव करने को भी कह दिया। ठीक है, तो प्रूव हो गया, बोथ साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, वी आर टू फाइंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और वी आर टू वेरीफाई दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे। ए सी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट। इस क्वेश्चन में आउटपुट एक्स है, तो टोटल कॉस्ट हमें ये दी हुई है, डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे तो क्या आएगी, एवरेज कॉस्ट। एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स एक्स आ गया, 6x अपॉन x 6 आ गया, 30 अपॉन x 30 अपॉन x आ गया। अब हमने फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी, डी ओवर डी एक्स टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट है एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेशन 2x आ गया, माइनस 6x का डेरिवेशन 6 आ गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल आएगा, इसका ए सी का डेरिवेशन करना है, डी ओवर डी एक्स किसका, ए सी। तो x का डेरिवेशन 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये आ गया प्लस 30, x ऊपर जाके x रेज टू पावर माइनस 1, तो ये आ गया, क्या आएगा, 1 - 30 upon x square। ठीक है, वी आर टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, कि ए सी इज इक्वल टू एम सी एट मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी। अब मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी क्या होता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी, मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी होता है जहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 0 है। तो 1 = 30 upon x square, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 30, एक्स इज इक्वल टू √30। मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √30। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी पे ए सी इज इक्वल टू एम सी है। ठीक है जी, तो ए सी हमें गिवन है एक्स माइनस 6 + 30 upon x, ये ए सी की वैल्यू है। ठीक है जी, अब हम अगला स्टेप करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स क्या लेंगे, ए सी इज इक्वल टू √30 - 6 + 30 upon √30। क्लियर है, -30 - 6 प्लस, हमने उस दिन किया था कि x upon √x, यही किया था ना। अब ये जो चीज़ होती है ना, x है, ये √x समझ के upon √x, कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर 30 दिया, नीचे √30 दिया, 30 की रेज टू पावर, ये हाफ है, ऊपर 1 है, तो इट मीन्स कि अगर हम ऊपर √30 × √30 करेंगे तो वो 30 ही होगा। क्लियर है, तो ये आ गया √30 + √30 - √30 - 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम सी की। एम सी हमने फाइंड की थी 2x - 6, तो क्या होगा, 2√30 - 6। ठीक है, तो क्या हो गया कि मिनिमम पॉइंट, ठीक है, मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी, मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी, एक्स इज इक्वल टू √30, ए सी इज इक्वल टू 2√30 - 6, एम सी इज आल्सो इक्वल टू सेम, तो ए सी इज इक्वल टू एम सी, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। वी आर गिवन प्राइस, प्राइस हमें दिया हुआ है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू आउटपुट। ये क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि आउटपुट क्या है, जैसे एक क्वेश्चन में क्यू दिया था, एक में एक्स दिया, तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ है, तो प्राइस इनटू एक्स,
पी इंटू एक्स, वो क्या आ गया टोटल रेवेन्यू, एक्स आ गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू टोटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, अगर हम इसी को एक्स से डिवाइड कर देंगे ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। इट मीन्स कि एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, अगर हमने मार्जिन रेवेन्यू फाइंड करना है तो टोटल रेवेन्यू का डेरिवेशन लेंगे। 100x का डेरिवेशन आ गया 100, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन आ गया 2x, इसका डेरिवेशन आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? हाँ जी, थर्ड कंसेप्ट कर रहे हैं डिमांड कर्व का। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किसके इक्वल है, डिमांड फंक्शन के डेरिवेटिव्स के, माइनस आगे लगाना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है, माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डी क्यू ओवर डी पी। इलास्टिसिटी होता है वैसे प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया है, ठीक है ना। तो प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। बट डेरिवेशन में हम कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेरिवेशन या स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर। वी आर टू फाइंड द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इवन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किसके इक्वल है, डी क्यू ओवर डी पी। तो इसका डेरिवेशन लेंगे, 100 का डेरिवेशन 0, 2p का डेरिवेशन माइनस 2, 2p स्क्वायर का डेरिवेशन माइनस 4p। क्लियर है, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, तो हम लोग अगर बाहर माइनस लेते हैं तो इससे क्या होगा, इनका माइनस ऑलरेडी बाहर है, एक और माइनस बाहर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2 प्लस 4p। ठीक है, देन हमने निकालना है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डी क्यू ओवर डी पी। ठीक है, पी हमें पी एज इट इज लेंगे, क्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 100 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर इंटू डी क्यू ओवर डी पी कितना आ गया, 2 प्लस 4p। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई तो कुछ होना नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 4p पी अपॉन 100 माइनस 2p माइनस 2p स्क्वायर। अगला स्टेप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन पी इज इक्वल टू 10, यानी कि इलास्टिसिटी तो हमने फाइंड कर ली। अब अगर पी इज इक्वल टू 10 है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 प्लस 4 इंटू 10, टोटल आ गया 10, 100 माइनस 2p 2 इंटू 10, ठीक है, माइनस 2 10 स्क्वायर। तो ये आ गया 40 प्लस 2 42 10, 100 200 माइनस 100 माइनस 20, तो ये आ गया माइनस 120। इसके आगे माइनस तो लगाया ही नहीं हमने, ठीक है, माइनस, हाँ जी, ये माइनस 120 आ गया, ऊपर 42 इंटू 10 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, ठीक है, 6 7s था 6 2s था, इसके आगे माइनस लगा तो ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, माइनस 7/2, दिस इज द आंसर, माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है जी,
हाँ जी, इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि इलास्टिश वी आर टू प्रूव दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ओवर एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है जी। एट पी इज इक्वल टू 5 एंड पी प्रोडक्शन फंक्शन हमें दिया 50 - 3x। ठीक है, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड कर ले, बिकॉज 5 p इज इक्वल टू 5, इट मीन्स कि 5 इज इक्वल टू 50 - 3x। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 50 - 5, एक्स इज इक्वल टू 45/3 इज इक्वल टू 15। ओके, ठीक है। अब हमें जो जो चाहिए, जैसे हमें पहले इलास्टिसिटी चाहिए, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डी एक्स ओवर डी पी। क्लियर। तो पी हमें दिया हुआ है 50 - 3x, क्यू किसके इक्वल है, एक्स के। अब डी एक्स ओवर डी पी हमने फाइंड नहीं किया, तो पहले हम डी एक्स ओवर डी पी फाइंड करें। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, पी 50 - 3x डी पी ओवर डी एक्स। 50 का डेरिवेशन 0 आ गया, इसका डेरिवेशन -3 आ गया, हो गया। तो डी पी ओवर डी एक्स -3 आया, बट हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी पी, तो हम क्या करेंगे, 1/-3 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया p अपॉन एक्स 1/-3। ठीक है जी, तो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 50 - 3x / 3x। ठीक है, जैसे हमने फाइंड किया था कि x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, तो इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ गई, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 50 - 3 इंटू 15 ओवर 3 इंटू 50। तो ये आ गई 5/45 1/9। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट है हमारा कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है पी इज इक्वल टू 50 - 3x। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये प्राइस दी है, वी आर टू फाइंड द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल है, प्राइस इंटू आउटपुट। तो अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, बट इसी से हम मार्जिनल रेवेन्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। इसी से हम एवरेज रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट, यानी कि इट इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर है, तो हमने फाइंड किया मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, माइनस 50 + 6x, 50 - 3x अपॉन 50/3x। क्लियर है, तो अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 15, 50 - 3 × 15 अपॉन 3 × 15, तो ये आ गया 50 - 45/45, 5/45, 1/9। तो यहाँ पे हमने 1/9 फाइंड किया था और यहाँ भी 1/9 आ गया, सो बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। लास्ट कंसेप्ट
ठीक है जी। तो हमें दिया कंजम्पशन फंक्शन, वी आर टू फाइंड मार्जिन ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। तो मार्जिन ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम कैसे करेंगे, जब हम इसका डेरिवेशन लेंगे। 80 का डेरिवेशन 0 आ गया, इसका डेरिवेशन -0.6 आ गया, ठीक है। मार्जिन ऑफ प्रोस्पेंसिटी टू सेव किसके इक्वल है, 1 माइनस MPC, ठीक है जी। तो 1 माइनस -0.6 इज इक्वल टू 1.6। नेक्स्ट APC इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय Y, तो ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय Y, इसको Y से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6। जब हमने एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस, तो 1 माइनस 80 अपॉन Y माइनस माइनस प्लस 0.6, तो ये आ गया 1.6 माइनस 80 अपॉन Y, सो दिस इज द आंसर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स के मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों ने साथ साथ करने हैं, डेरिवेशन को अच्छे से करना है, तो ये 20 मार्क्स तक का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका। आउट ऑफ 80 20 मार्क्स, यू कैन से 25% क्वेश्चंस इसमें से आ सकते, 25% मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है, ठीक है जी। तो वीडियोस को अच्छे से देखें, साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।